आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार को गाजियाबाद के माननीय सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी ने नगर पंचायत कार्यालय दासना में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान माननीय मंत्री जी ने कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ जनों से चर्चा और संवाद किया। साथ ही अनेकों योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना इत्यादि से लाभार्थियों को जोड़ा और शुभकामनाएं दी। जनरल डॉक्टर वी के सिंह ने जन जागृति के संकल्प को सुदृढ़ करने वाली इस यात्रा में कहा कि यह यात्रा भारत को विकसित बनाना और देशवासियों को खुशहाली व समृद्धि से जोड़ना है। बीते 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। तमाम योजनाओं से हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधारा और निरंतर लोगों का जीवन बेहतर बना है। आज किसी बहन बेटी को पानी के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि नल से जल योजना से हर घर तक पानी पहुंचाने का भागीरथ 70 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा ही किया गया। इसके साथ केंद्रीय मंत्री जी ने लोगों को इस जन अभियान में जुड़कर आमजन को जागरूक करने और अन्य नागरिकों को मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें और इन योजनाओं से जोड़कर इसका लाभ दिलाने में सहायक बने। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रीय अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी मुहिम है जो पूरे देश के अंदर चल रही है और कई बार हम सोचते हैं कि ये मुहिम क्या है। बहुत साधारण शब्दों के अंदर पूरे भारत के अंदर एक जागृति पैदा करने वाली है ताकि सबके अंदर पहली चीज ये डाली जाए कि हम इस चीज का संकल्प लें कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो तो भारत एक विकसित राष्ट्र हो। और आपने उसके लिए शपथ ली। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। Come on.